शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 30 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने नॉलेज का महत्व समझाया। ये जो ईश्वरीय नॉलेज है, ईश्वरीय ज्ञान है, ये हमें क्या से क्या बना देता है। इस नॉलेज से आपके 21 जन्मों के लिए भंडारे भरपूर हो जाते हैं, कोई भी कमी नहीं रहती है, अथाह खुशी जमा हो जाती है। इस नॉलेज से आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा नॉलेजफुल बाप जो नॉलेज देते हैं उन्हें कितना याद करना चाहिए। प्राण दान देने वाला, प्राण प्यारा एक ही है जिसे बहुत प्यार से याद करना है। उनकी याद से विकर्म विनाश होते हैं। हम जो पहले अन सुधरे हुए थे सुधर जाते हैं, सिवाय उसकी याद के सुधर नहीं सकते हैं। 3 प्रकार के बच्चे हैं बाबा के पास, महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि सत्युग में ऊंच से ऊंच पद पाए। आपस में मिलकर रूरुहान करनी है, ज्ञान की लेन देन करनी है, लेकिन वाद विवाद नहीं करना। माया बीच बीच में तूफान लाती है, तूफानों से घबराना नहीं, डरना नहीं। ऐसे बाबा को याद करते करते दैवी गुण आते जाएंगे। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा का मीठे बच्चे प्राण दान देने वाला बाप है। वो नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। प्राण दान देने वाला एक बाप है, वो नॉलेज ऐसी देते जिससे प्राण दान मिल जाता। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। क्वेश्चन है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? किस आधार पर 21 जन्म तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती। संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। ओम शांति। भगवान उवाच। सालिग्राम समझते हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाने आते हैं। आत्मा को ही सालिग्राम कहते हैं। आत्मा ही समझते हैं कि बाबा हमें पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते। बच्चों को कोई नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया। मनुष्य सब भूले हुए हैं, जिसने पढ़ाया उसको भूल गए। पढ़ते पढ़ते तुम बच्चों को भी बात सिद्ध करनी है कि हम सबको पढ़ाने वाला निराकार शिव है। बाप कहते हैं, बच्चे अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य सुधरते हैं तो दुनिया भी सुधर जाती। सत्युग है सुधरी हुई नई दुनिया, कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो, धारण कर समझाने के लायक बनते हो। इसमें बहुत रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुम्हें कितना रिफाइन करके समझाते हैं, सुधारते हैं। बाबा कहते, जब तुम सुधर जाते हो तो मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम अन आर्य बन गए, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सत्यु में होंगे, वे सब सुधरे हुए थे, अब अन सुधरे हुए उनकी पूजा करते हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं। हैं सब मनुष्य, जो सुधरेले आर्य थे वही अन सुधरेले बन गए।
आर्य और अन आर्य, बाकी वो जो आर्य समाज है वो मठ पंथ है, वे सब झाड़ से क्लियर कर समझ सकते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसकी आयु 5000 वर्ष है, इसका नाम कल्प वृक्ष है। परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता, तो मैं झाड़ के रूप में समझाया, वो कह देते कल्प लाखों वर्ष का है। बाबा ने समझाया कितने वर्ष का है, 5000 वर्ष का, और कोई कितनी आयु सुनाते कोई कितनी, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं, तुम्हारी तो ये रूरुहान है, तुम सेमिनार करते हो, इसको रूरुहान कहा जाता, प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते, बाबा जो कुछ तुम्हें सुनाते उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो, वो लोग क्या सुनाते हैं ये भी जाके सुनो, फिर आके सुनाना चाहिए, इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। पहले तो समझाना है गीता ज्ञानदाता कौन, भगवान बाप को भूल गए हैं, तुम बच्चों को बाबा से प्यार है, तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं कैसा, जो क्या से क्या बन जाते हो। तो बाबा पर लव रहना चाहिए, बाबा में ऐसी सी नई बातें सुनाते हैं, हम श्री कृष्ण को कितना याद करते, लेकिन तुम बच्चे जानते हो उनको भी ऐसा बनाने वाला निराकार शिव है। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या, हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए, देवताएं कितने साल्वेंट थे, अब सब आर्टिफिशियल चीजें हो गई, जिसका दाम नहीं उनका आज दाम हो गया, वहां अनाज आदि के दाम की तो बात ही नहीं, सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। सत्यों की दुनिया में सब कुछ भरपूर रहता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते मैं तुम्हारे भंडारे भरपूर कर देता हूं, तुम्हें ऐसी नॉलेज देता हूं जिससे तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो, पढ़ाई का भंडार है ना, वह टीचर्स पढ़ाते उनसे अल्पकाल का सुख मिलता, इस पढ़ाई से तुम 21 जन्म का सुख मिलता, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये समझने में टाइम लगता, जल्दी कोई समझ ना सके, कोटों में कोई निकलता है, ये बातें समझने वाला कोटों में कोई निकलता, आधा कल्प सब मनुष्य एक दो को गिराते ही आए, चढ़ाने वाला एक बाप है। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम लिख दिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद करने से विकर्म विनाश होंगे, इन बातों को धारण करो। पढ़ाने वाला स्वयं आते हैं पढ़ाने के लिए, ये नई नई बातें हैं, निराकार शिव ब्रह्मा द्वारा पढ़ाने के लिए आते हैं। स्टूडेंट तुम भी सब नंबरवार हो, कोई पास होते हैं कोई फेल होते हैं, ये बेहद का बड़ा इम्तहान है। जानते हो हम सब अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ने वाले ऊंच पद पाते हैं, नंबरवार सब जाएंगे, सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते, ये ज्ञान भी आत्मा में है, अच्छे और बुरे संस्कार आत्मा में है, शरीर तो मिट्टी है, आत्मा दुर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतो प्रधान 100% तबो प्रधान कौन, ये भी तुम समझते हो। पहले तो गरीबों को उठाना है, वो पहले आएंगे, गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब सब उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, वो भी समझेंगे, देखेंगे तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, यहाँ के जो होंगे वो निकल आएंगे। बाबा कर नया झाड़ शुरू करते हैं, जो और धर्मों में जाकर पड़े सब लौट आएंगे, फिर भी अपने भारत में आएंगे, भारतवासी थे ना, हमारी डाल के जो हैं सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम जब समझते जाएंगे, अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता, जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते, समझते ही बहुत धनवान हो गए, यहाँ वाले गरीब हो गए, पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता, आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि, भारत में नई दुनिया थी, इस समय वाइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते, ये विशियस वर्ल्ड है, पहले निर्विकारी थी अभी विकारी दुनिया है, इसे बुलाते पतित पावन नाओ, आकर पावन बनाओ,
भले दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वो है ब्रह्म महातत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पार्ट बचाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है। फिर तीन ट्यूब निकलती हैं, ये तो देवता धर्म है, ये कोई ट्यूब नहीं। पहले ये फाउंडेशन, फिर तीन ट्यूब निकलती, मुख्य चार धर्म। सबसे अच्छा धर्म है ब्राह्मण धर्म, इसकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाबा तुम्हें यहाँ पढ़ाते हैं, तो तुम कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो, वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है, फिर वहां नॉलेज को ही भूल जाते। जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं, ICS वाले क्या पढ़ते हैं, बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम नए नए पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। पार्टी आगे सुनने का है, बुद्धि में रहता नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा, तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पार्ट पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए, सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे, याद करते करते शरीर का भार निकल जाएगा। बाबा को याद करते करते शरीर का भार निकल जाएगा। सन्यासी भी उस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उनका रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता। फॉलोअर्स समझते हैं वो ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता। बाप समझाते, वापस कोई भी जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब एक्टर जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे। वो है हद का विनाशी नाटक और ये है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो, ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है। वो तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते, झूठी फिल्म बनाते, उसमें थोड़ी अच्छी बातें होती, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते। ऐसे नहीं कि ऊपर से कोई उतर आते हैं, लक्ष्मी नारायण का पार्ट बचाने आते, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते। अब तुम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, ये बातें तुम समझ सकते हो। पहले तुम तुच्छ बुद्धि थे, पहले नहीं समझते थे, अब बाबा ने समझाया, तुम्हारे कपाट खुले। इतना समय जो कुछ सुना वो कोई काम का नहीं था और ही नीचे आ गए, इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिख कर दे तब समझा जाए कुछ बुद्धि में बैठा है। बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं, मालूम पड़े हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जानना, समझे कि बरोबर कल्प कल्प बाबा हमें पढ़ाते हैं। ये पूछना है कब से पवित्र बने हो, जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती कच्चा है तो हप कर लेती है। कई महारथियों को माया हप कर गई, कितने महारथियों को भी माया हप कर गई। शास्त्रों में भी मिसाल अभी का है, मंदिर में घोड़े सवार, महारथी, प्यादे सब दिखाते हैं। तुम अब अपना यादगार देखते हो, जब तुम बन जाएंगे तो फिर भक्ति उड़ जाएगी। तुम किसको माथा इस समय नहीं टेकते हो, समझते हो हमें ऐसा बनना है। तुम पूछेंगे ये कहां चले गए, कहीं कहीं लोक संग्रह अर्थ निभाने अर्थ जाकर के आप माथा भी टेकेंगे, शीश झुकाएंगे, पर अंदर में समझते हैं कि ये जो यादगार है इन जैसे दिव्य गुणों को अपने में लाना है। बाबा तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाते, तब तुम पूछते हो तो नशा रहना चाहिए। पांचवी डोनर 8 होते हैं, ये बहुत बड़ा इम्तहान है। अपने को देखना है, हमारी आत्मा पवित्र बनी है, खुद को चेक करना है, मैं आत्मा कितनी पवित्र बनी हूं। बैटरी भरेगी तब जब योग होगा, बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे, तमो प्रधान आत्मा वापिस नहीं जा सकती। ये भी ड्रामा, ना दुख देने वाली कोई चीज नहीं, सत्युग में दुख देने वाली कोई चीज नहीं। गाय भी बहुत सुंदर, श्री कृष्ण जी के साथ गाय कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर, गाय अच्छा दूध देती है, तभी दूध की नदियां बहती हैं। अब यह नहीं है, अब तुम नॉलेजफुल बन गए हो, इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। इसका सारा किचड़ा स्वाह होना है, फिर सारा किचड़ा निकल जब स्वच्छ बन जाए तब नई राजधानी में आते हो। वहां सत्य की दुनिया में सब स्वच्छ होते हैं, हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उसका नाम है स्वर्ग। सुनते ही खुशी होती है ना,
अच्छा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस अन आर्य सुधरी हुई पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है, अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है, आपस में रूहान करनी है, वाद विवाद नहीं, नॉलेज का दान दे, सबका भंडारा भरपूर करना है। इस अन सुधरी हुई पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए पहले स्वयं को सुधारना है, अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है, आपस में रूहान करनी है, वाद विवाद नहीं, नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। वरदान है स्वमान के सीट पर स्थित हो शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। स्वमान की सीट पर स्थित हो शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा से मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्त युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्त युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे। बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। अटेंशन से सुनेंगे। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को संगम पर समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्त युक्त सेवाधारियों से सेवा लो तो सदा राजी रहेंगे। बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ये स्मृति इमर्ष करो, सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ये स्मृति इमर्ष करो, सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज चलते फिरते सफलता का तिलक मस्तक में देखेंगे। अभी भी अनुभव करें, बाप दादा ने स्वयं मुझे तिलक दिया है, स्मृति दिलाई है, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। कल्प कल्प आपने सफलता को प्राप्त किया है, जिसके साथ सर्व शक्तियां हैं, वे आत्मा सफलता का अनुभव करती है। स्वयं बाप दादा ने सभी शक्तियां मुझे दी है। मस्तक के तिलक को चमकता देखें, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। आज के ज्ञान मोती में हम जानेंगे कि अव्यक्त ब्रह्मा बाप हम बच्चों से क्या चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का विशेष ज्ञान मोती।